Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of organic chemistry. So the name of topic is carbene. क्या चीज़ carbene? तो ये बड़ा ही important topic है. Organic chemistry का ये सब base माना जाता है. देखिए, ये आपका reactive intermediate के अंदर आता है. आपको ये सब बात मालूम होगा. और reactive intermediate के अंदर आपका बस यही नहीं आता है. Carbene हो गया, carbocation हो गया, carboanion हो गया, बेंजाइन हो गया, नाइट्रीन हो गया, सारा कुछ को आपको पढ़ना है सिलेबस में. तो अब आप लोग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपको डिटेल पढ़ना है. ये सब 11 ट्वेल्थ में आप लोग बस एक छोटा सा पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ते थे कि एक आध पन्ना में दिया रहता था और उसको स्टडी कर लेते थे. लेकिन आज की क्लास में या अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका हायर लेवल मीन्स कार्बिन को ही एक चैप्टर बना करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में पहले और आज में डिफरेंस यही है कि पहले आप लोग चीजों को पढ़े हो लेकिन थोड़ा कम कम पढ़े हो और अभी आपको ज्यादा पढ़ना है, ब्रॉड में पढ़ना है. और एक बार बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है सारा यूनिवर्सिटी के सिलेबस से लेकर के बनाया जाएगा. जितना भी वीडियो कार्बिन का होगा, जितना भी यूनिवर्सिटीज होता है, बीएससी एमएससी पूरा को ध्यान देते हुए बनाया जाएगा. और जो भी बच्चे इग्नू वगैरह के होंगे उनके हिसाब से भी सारा सिलेबस कवर होगा. अगर इग्नू के हिसाब से अगर सारा सिलेबस कवर हो गया मीन्स सारा यूनिवर्सिटी उसमें आ जाएगा. तो चलिए वो सब बातें आप लोग टॉपिक के हिसाब से अपना देख लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा. ये सब हम हर वीडियो में नहीं कहेंगे, आज ये टॉपिक का स्टार्टिंग है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है. चलिए वो सब बातें अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बिन. कार्बिन का यहाँ पे आपको लंबा चौड़ा डेफिनेशन मिल रहा होगा लेकिन आपको उस पर अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है. पहले आपको समझना है कार्बिन होता क्या है. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं कि कार्बिन होता क्या है. तो कार्बिन होता क्या है पहले आप वो समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप खुद से आंसर दे दीजिएगा क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप उसको खुद से आंसर, किसी भी चीज को आप खुद से आंसर क्या कीजिए, लिखिए. आप लोग अब बड़ा स्टूडेंट हो गए हैं, अपने हिसाब से आंसर लिखिए. और मेरा काम है बस चीजों को समझा देना, आपका काम है उसको अपने हिसाब से लिख देना. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बिन क्या है तो आपका क्या जवाब होगा, देखिए आंसर क्या देना है. वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कार्बन एटम दो मोनोवेलेंट एटम से या तो फिर मोनोवेलेंट ग्रुप से अटैच हो और वो कैसा अटैच हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड. वैसा कार्बन जो कि दो मोनोवेलेंट एटम या दो मोनोवेलेंट ग्रुप से अटैच हो, ये दोनों आपका मोनोवेलेंट एटम होगा या तो क्या होगा, मोनोवेलेंट ग्रुप होगा. और ये कैसे अटैच होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड मींस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. साथ ही साथ इसके पास क्या होगा, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर. तो आप लोग टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए या तो लोन पेयर बोलिए, बात बरोबर. तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे क्या, कार्बिन. अब हम बात करते हैं कि ये जो आर हम लोग बोल रहे हैं ये आपका क्या है, मोनोवेलेंट एटम भी हो सकता है, मोनोवेलेंट ग्रुप भी हो सकता है. अगर यहां पे मोनोवेलेंट एटम होगा तो उसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया. अगर हम लोग बोले कि मोनोवेलेंट ग्रुप होगा तो इसका एग्जांपल हो गया फिनाइल, फिनाइल ग्रुप. ठीक है, तो एक बात आपको और बता रहे हैं, देखिए हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको बेस मालूम है, लेकिन नहीं भी मालूम है तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे जितना हो सके कि आपको सारा बातें समझ में आए. मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप क्या होता है पहले आपको वो भी जानना जरूरी है. मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप का मतलब हुआ कि वैसा एटम या ग्रुप जिसका की वैलेंसी वन हो, मींस ऐसा एटम या ग्रुप जो कि एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सके. अभी हम लोग एग्जांपल में आगे बताएंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. यही है आपका जनरल फॉर्मूला किसका, कार्बिन का. अब इसका डेफिनेशन को एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मन करेगा तो इसको भी लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. कार्बिन इज अ मॉलिक्यूल, क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है विच कंटेनिंग अ न्यूट्रल कार्बन एटम्स विच टू अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये दो अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है कार्बन, इसके पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, और इसके साथ दो आर ग्रुप लगा है. आर ग्रुप क्या है, मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप है. वेयर आर रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट दैट इज की मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप. अब देखिए आपको यहां से एक और चीज बता रहे हैं, आर जो है वो दोनों का दोनों सेम हो सकता है, आर जो है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, आर का वैल्यू अगर हम लोग एच लेते हैं, बोले ना कि
मोनोवेलेंट एटम में आपका हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया और भी बहुत कुछ आता है, तो आर की जगह पे अगर हम लोग एच लेते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन है और देखिए दो हाइड्रोजन से अटैच है, ये क्या है मोनोवेलेंट एटम है, और मोनोवेलेंट एटम हम बताएं कि जिसका की वैलेंसी एक हो, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो यहां देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको कि हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, तो इसका नाम होता है आपका मिथाइलिन, और ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बन है, याद रखिएगा सबसे सिंपलेस्ट कार्बन है, इसी के चलते इसको हम लोग पेरेंट स्पीसीज भी बोलते हैं। पेरेंट स्पीसीज इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आगे जितना भी आने वाला कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन आपका मिथाइलिन से ही डेराइव होता है। फिर से सुनिए, जितना भी आपका आगे आने वाला कार्बन है सारा का सारा कार्बन मिथाइलिन से ही डेराइव होता है, इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट स्पीसीज। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपके पास मिथाइलिन है, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बन है। अगर हम लोग ये दोनों हाइड्रोजन को यहां से हटा दें, ठीक है, और यहां पे दूसरा मोनोवेलेंट एटम लगा दें, जैसे कि दो क्लोरीन को ऐड कर दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, साथ ही साथ Cl2 बन जाएगा, और इसका नाम होता है डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर हम लोग यहां से दोनों हाइड्रोजन को हटा करके और यहां पे दो फिनाइल ग्रुप लगा दें, C6H5 ग्रुप लगा दें, तो यहां से जो आपका कार्बन बनेगा उसका नाम होगा डाइफिनाइल कार्बन। क्या नाम होगा, डाइफिनाइल कार्बन। अब ये दोनों को अगर हम लोग बात करें तो कलेक्टिवली कॉल्ड इसको हम लोग मिथाइलिन बोलेंगे, क्योंकि ये जो पेरेंट स्पीसीज है उसी से ये दोनों हम लोग क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं, इसको डिराइव किए हैं, तो इसी के चलते हम लोग इसको कलेक्टिवली कॉल्ड क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन जो है वो आपका हाईली रिएक्टिव है, आपको मालूम है कि कार्बन जो है आपका वो हाईली रिएक्टिव है, आपको ये बात मालूम है कि कार्बन जो है आपका वो होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और जितना भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो आपका हाईली अनस्टेबल होता है, सो इसी के चलते वो हाईली रिएक्टिव होता है। अब इसका रीजन क्या है, यहां देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड बन रहा है मतलब कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे, चार इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन ये वाला, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है कार्बन के पास, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसी के चलते ये हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है। एक बार पढ़ के इसको देखिए, कार्बन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू मोर इलेक्ट्रॉन, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसके लिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब एक लाइन और है यहां पे, कार्बन आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड लेविस एसिड, दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन दोनों का डेफिनेशन आपको समझना होगा, ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा ही बिहेव करता है और लेविस एसिड के जैसा। इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलते हैं, जो कि आपका क्या करे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो, तो इसको तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, तो इसको हम लोग कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन जो है आपका वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, तो इसी के चलते हम लोग कार्बन को लेविस एसिड ही बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक दो और बातें हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो फटाक से वीडियो को पॉज कर रहे हैं, यहां पे आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, जल्दी से नोट कीजिए, 1 2 3 नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब जो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया चीज देखेंगे। तो यहां पे क्या है आपका लिखा हुआ वो देखिए, डाइमिथाइल कार्बन जो है वो आपका क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके साथ, ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ, और ट्राइमिथाइल बोरेन के साथ आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, मींस ऐसा स्पीसीज जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। द सेंट्रल कार्बन एंड बोरोन एटम्स इन ईच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर दोनों में अगर हम लोग बात करें किसमें,
सेंट्रल एटम का, मींस यहाँ पे कार्बन का और यहाँ पे बोरोन का, तो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है विथ ओनली अ सेक्सटेट, मींस छह ही इलेक्ट्रॉन है। इसी के चलते ये क्या होता है, एक्ट करता है किसके जैसा, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा। और जो बात लिखा है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए, यहां देखिए एक मिसिंग हो गया है, यहां पे आपका क्या होगा, दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक लोन पेयर होगा। तो अगर हम बात करें इस कार्बन के पास, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, आप देख करके बताइए। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो यहां पे बॉन्ड बना रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन ये वाला जिसको कि हम लोग लोन पेयर और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो टोटल यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, किसमें, डाइमिथाइल कार्बन में। वही अगर हम लोग बात करें ट्राइमिथाइल किसमें, कार्बिन में, तो ट्राइमिथाइल कार्बिन में, सॉरी ट्राइमिथाइल बोरेन होगा, कार्बिन यहां पे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होगा, बोरेन होगा। तो ट्राइमिथाइल बोरेन में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तीन बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों स्पीसीज में आपका 6 इलेक्ट्रॉन ही है, मींस ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज है। इसी के चलते ये जो है क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और क्या है, जरूरत है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नया क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्साहेक्साहेलाइडीन इज अ साइक्लिक कार्बिन। साइक्लोहेक्साहेलाइडीन जो है वो आपका क्या होता है, साइक्लिक कार्बिन होता है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक कार्बिन आर, हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड सी, और यहां पे एक क्या है, लोन पेयर है, जिसको कि हम लोग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलाइडीन। ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, कार्बिन ही है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर CH के पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, इसका नाम होता है Prop2-in-1-Aniline। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि अभी हम लोग यहां पे देखे हैं, साइक्लोहेक्साहेलाइडीन। साइक्लोहेक्साहेलाइडीन जो है आपका वो क्या होता है, साइक्लिक कार्बिन होता है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कि आपसे एक एग्जांपल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइक्लिक कार्बिन का एग्जांपल बताइए, तो यहां से आपको बताना होगा साइक्लोहेक्साहेलाइडीन। नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलाइडीन। इथाइलाइडीन का क्या होता है, स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर, जिसको कि हम लोग टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, सॉरी। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें इस लेक्चर का आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसको एक बार नोट करने के बाद खुद से रिवाइज कर लीजिएगा।